इस समय हम पुंछ एसके ब्रिज के पास हैं, जहां पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जॉगिंग पार्क जो है वो बनाई गई है। आपको बता दें पुंछ के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। आपको बता दें पुंछ के लोग जो हैं वॉक करने के लिए जो है सड़कों पर जाते थे, पर पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र जो है उन लोगों पर पहुंची, क्योंकि अक्सर जब भी ये लोग सड़कों पर वॉक करने के लिए जाते थे तो कई बड़े हादसे जो हैं वो हो जाते थे। पर पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोशिश जो है वो रंग लाई है, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है सुबह शाम यहाँ पर वॉक करने के लिए आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छी पार्क जो है लोगों को दी गई है, और बिल्कुल नदी के करीब ये पार्क जो है वो बनाई गई। जनता यहाँ पर आए, यहाँ पर बैठे, उनके लिए यहाँ पर बैठने का बंदोबस्त जो है पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। और आपको बता दें आने वाले दिनों पर इस पार्क की अगर बात करें तो यहाँ और भी डेवलपमेंट के काम जो है वो किए जाएंगे, पर पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने पुंछ के लोगों को एक तोहफा जो है वो दिया है, एक पार्क जो है वो बनाकर दी है, ताकि जो बुजुर्ग सड़कों पर वॉक करते थे वो यहाँ पर आकर जो है वॉक करें। मेरा नाम जसविंदर सिंह है। भाजी बताओ जरिए पार्क। हाँ, बहुत फायदा होया लोगों, क्योंकि साढ़े पुंछ में कोई ऐसी जगह नहीं सी जिथे मतलब कि लोग जाके सैर कर सकन, मतलब वॉक कर सकन। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही वधिया स्टैप चुकिया कि इतने पार्क बना के मतलब कि लोगों वॉक करन लई सैपरेट जगह दिती है, क्योंकि साढ़े लोग मैक्सिमम साढ़े लोग सड़कों पर घूमते सीगे, सैर करने से सड़कों पर जाते सीगे। हाँ, मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन नू कि योजे होर भी पार्क बनने चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि दूर दूर तो है ही नहीं पार्क, तो उस साइड पर भी बनने चाहिए। तो देखिए सर, कि पहले इस जगह पे ये ऐसी जगह थी, कुछ बैलेंस बराबर नहीं था, कुछ पत्थर ही पत्थर थे। अब क्या हुआ कि अब लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जगह बन गई है, क्योंकि यहाँ पे पुल भी है और साथ में इन्होंने बहुत अच्छा ये गार्डन बना दिया है, एक किस्म का दरख्त वगैरह भी लगाए हैं इन्होंने, टाइम लगने पे ये भी हो जाएंगे। बाकी पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस जगह का, तो इनको क्या करना चाहिए कि इसको आगे तक ले जाना चाहिए, उससे थोड़ा और इसकी बन जाएगी। बाकी ये बहुत अच्छा है, इसलिए आप म्यूनसिपलिटी को, सिटी को, जो मतलब इसके हैं डेवलप करने वाले, उनको मुबारकबाद देते हैं। हमें बहुत खुशी हुई इससे, थैंक यू जी। मैं शहजाद नाइक। ये जनाब, ये जो है पुंछ शहर है, ये पुल है जहाँ से हम इंटर होते हैं। तो ये पार्क जो है, जो बुज़ुर्ग लोग थे शाम को सैर करने के लिए सड़कों पे जाते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत अच्छा तोहफा दिया है। ख़ास तौर पे हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो पार्क है ये पीछे तक एक्सटेंड होनी चाहिए। आप देख रहे हो इस वक्त बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो है इस पार्क में सैर कर रहे हैं, सड़क पर सैर करते थे और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर पर डी साहब का, कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया हमारे पुंछ के लिए। इश्तियाक अहमद। मैं समझता हूँ कि बहुत देर के बाद तो ऐसा देखने को मिला है कि इतनी बेहतरीन पार्क बनी है, जहाँ पे बुजुर्गों के लिए ये बड़ी सहूलियत है, क्योंकि इससे पहले हम भी वॉक करने जाते थे रोड पे तो बड़ा ख़तरा रहा है, बड़े एक्सीडेंट हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ पेश हुई है बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, बच्चे बूढ़े सब तमाम जो है जितने लोग हैं शाम को यहाँ इस तरफ आते हैं, एक रौनक सी लगी रहती है। और मैं तो चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश शुरू करूँगा कि इसको थोड़ा सा और स्टैंड करके थोड़ा सा और बड़ा कर लें, तो ये सब के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है यूथ के लिए भी, थोड़ा सा वॉक के लिए। आज के गर्मी का मौसम है, हर एक इंसान पेशेंट है जो कहीं ना कहीं आके तो वॉक करने के लिए सुबह शाम। ये मैं एक बार फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूँगा। मेरा नाम आसिफ जी। सर, सर एक तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, सामने से पुल भी है, पहले लोग सारे पुल पे जाते थे, अब सारे इधर आ रहे हैं पार्क में, पार्क की हवा है, दरिया है, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो जी सर, हाँ जी सर, बुज़ुर्ग लोग पहले सारे पुल पे जाते थे, वहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट का ख़तरा होता था, आजकल सारे इधर ही पार्क में आ रहे हैं सारे। तो आप देख सकते हैं रश तो बहुत है, शाम को बहुत लोग होते हैं यहाँ पे। तो हम शुक्रिया करना चाहते हैं डी सी साहब का, जिन्होंने पार्क का इधर किया सारा कुछ। सर बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पे शाम के टाइम गर्मी होती थी, लोग आते थे शाम के टाइम, अब बंद पे आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे बनी। तो हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डी सी साहब का।
ये चीज़ हमारे पुंछ में ये अच्छी चीज़ आई है मतलब। शुक्रिया।